इतने टाइम से बच्चे बोल रहे थे, मम्मा आइसक्रीम बना दो आइसक्रीम बना दो, मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था। तो मैंने कहा क्यों ना, आज टाइम है तो पहले मैं आइसक्रीम ही बना देती हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने आइसक्रीम बनाने के लिए लिया है काजू बादाम। मैंने कहा चलो फिर से ये चीजें निकाल लेती हूँ और आइसक्रीम ही बना देती हूँ। आज मैंने सुबह सुबह ही सोचा बना देती हूँ तो शाम को बच्चे खाएंगे। तो यहाँ पे आइसक्रीम बनाने के लिए मैं थोड़े से काजू ले रही हूँ। इसमें मैं ड्राई फ्रूट्स ही ऐड करने वाली हूँ आज आइसक्रीम में। सेम मैं थोड़े से बादाम ले लूंगी और बाकी मैंने लिया है यहाँ पे अखरोट और थोड़े से पिस्ता। सारी चीजें मैंने थोड़ी थोड़ी करके ले ली है, 8-10 काजू 8-10 बादाम और 7-8 अखरोट और यहाँ पे मैंने लिए 8-10 पिस्ता। अब यहाँ पे सबसे पहले मैंने 1 कप चीनी ले ली है, उसको सबसे पहले हम ग्राइंड कर लेंगे। तो सबसे पहले मैं यही कर रही हूँ, चीनी को मैं ग्राइंडर जार में ऐड कर रही हूँ। ऊपर से इसका कैप बंद कर देंगे और इसको मिक्सी जार में हम चला लेंगे और इसका एक फाइन पाउडर की तरह बना लेंगे। तो सबसे पहले हमें यही प्रोसेस करनी होगी। तो आज मैं जो आइसक्रीम बनाने वाली हूँ उसमें मैं बिल्कुल दूध का यूज करने वाली नहीं हूँ, तो ये मैं प्योर अमूल की क्रीम से ही बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पे थोड़ा एकदम अच्छे से नहीं हो रहा था इसलिए मैंने निकाल के हिला दिया और वापस से ये मिक्सी जार में लगा दिया। तो अभी अच्छे से फाइन पाउडर बन के रेडी हो गया है। इसको ऊपर से थोड़ा टैप कर दूँ ताकि अच्छे से कुछ भी पाउडर चिपक ना जाए और अच्छे से निकल जाए। अब इसको मैं एक एम्प्टी बॉल में चीनी की इस तरीके के पाउडर को निकाल लूंगी। ऊपर से थोड़ा टैप कर रही हूँ ताकि अच्छे से निकल जाए। आप देख सकते हो एकदम फाइन पाउडर बन के रेडी है। इसी तरीके का पाउडर हमें चाहिए था। अब सेम मिक्सी जार में हम लोग ले लेंगे हमारे ड्राई फ्रूट्स। तो यहाँ पे मैं बादाम और काजू अखरोट और पिस्ता सब यहाँ पे मैं ऐड कर दे रही हूँ। यहाँ पे अखरोट भी मैंने लिए थोड़े से, ये अच्छे रहते हैं खाने के लिए और ये ड्राई फ्रूट वैसे नहीं खाएंगे बच्चे पर आइसक्रीम में उसको बहुत ही टेस्टी लगेंगे। ऊपर से थोड़ा सा इस तरीके से कैप बंद करके मैं यहाँ पे मिक्सी जार में इसको पल्स मोड पे चला लूंगी। ध्यान रहे इसको हमें एकदम से नहीं चलाना है, वरना क्या होगा कि इसका पाउडर नहीं बनेगा और एकदम पेस्ट जैसा बन जाएगा। तो ये खास बात का ध्यान रहे, इसको हमें पल्स मोड पे इस तरीके से चला लेना है। अभी इस पाउडर को हम जो हमारे चीनी का पाउडर है उसी में हम साथ में ही ऐड कर देंगे और इसको स्पून की मदद से स्पैचुला की मदद से अच्छे से इसमें मिक्स कर लेंगे। पूरा ड्राई फ्रूट कुछ रह ना जाए इसलिए मैं इसमें थोड़ा सा, तो भी हल्का सा ऐसे लग रहा था जैसे चिपक गया हो, मैंने इसे स्पैचुला की मदद से एकदम से पूरा ड्राई फ्रूट पाउडर बाहर निकाल लिया है। अभी इसको हम चीनी के साथ अच्छे से मिला लेंगे ताकि ये अच्छे से मिल जाए तो आगे जाके अच्छे से हमारी आइसक्रीम बन पाए। तो इसको अच्छे से हम इस तरीके से मिला लेंगे। तो इस तरीके का हमने मिक्स करके आपको दिखा देते हो, इस तरीके का फाइन पाउडर हमने रेडी कर लिया है। आप देख सकते हो अच्छे से इस तरीके का हमने रेडी करके रख दिया है। तो अब बारी आती है आगे की। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक बड़ा सा बॉल ले लेंगे, इसमें मैंने ये चिल्ड क्रीम अमूल की यूज़ की हुई है, आपको मैं दिखा देती हूँ। ये अमूल की क्रीम आपको कहीं पे भी मार्केट में इजीली मिल जाएगी, ये वाली क्रीम का मैं यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पे हम दूध का यूज़ बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले ये क्रीम को हम बॉल में ऐड कर देंगे। तकरीबन ये 250 ml दूध की क्रीम है, तो यहाँ पे मैं पूरी क्रीम इस बॉल में ऐड कर रही हूँ। तो इस तरीके से दबा के पूरी क्रीम हमें इसमें निचोड़ के डाल देनी है। अभी तो भी थोड़ी सी क्रीम इसमें रह गई है, तो अभी मैं सीजर से इसको कट करके बाकी की क्रीम भी यूज़ कर लूँगी, क्योंकि मुझे लगा इसमें काफ़ी सारी क्रीम अंदर लगी हुई है। तो यहाँ पे मैं स्पून की मदद से इसको निकाल ले रही हूँ और इसमें ऐड कर रही हूँ।
यहाँ पे ना तो मैंने कस्टर्ड पाउडर का यूज़ किया और ना ही किसी चीज़ का। इस तरीके से आप विस्कर का यूज़ करके इसको अच्छे से फेंट सकते हैं, पर अभी मैं यहाँ पे इस टाइप का हैंड ब्लेंडर का यूज़ कर रही हूँ, ये पूरा इलेक्ट्रिक वाला बीटर का, क्योंकि क्या होगा कि अगर आप विस्कर से करोगे तो उसमें ज़्यादा टाइम लग जाएगा और इससे फटाफट से क्रीम हमारी एकदम फ्लफी बन जाएगी। तो इसको कंटिन्यूस हम चलाते रहेंगे जब तक कि हमारी क्रीम एकदम फ्लफी और थोड़ी अच्छी ना हो जाए, जैसे हमें आइसक्रीम के लिए चाहिए। तकरीबन इसको 2 से 3 मिनट के लिए हम इस तरीके से फेंट लेंगे। तो इसको कंटिन्यूस मैंने इस तरीके से फेंट लिया, आप देख सकते हो ये एकदम इस तरीके का क्रीम मिक्सचर बन के रेडी हो गया है। अभी क्या करना है कि हमें थोड़ा थोड़ा करके इसमें हमारी चीनी और ड्राई फ्रूट का पाउडर इस तरीके से ऐड करना है, एक साथ हमें नहीं डालना है वरना क्या होगा कि ये उड़ेगा बहुत। तो यहाँ पे मैंने ऐसे इस तरीके से डाल के पहली बार में किया था तो इसमें से थोड़ा उड़ा था, इसलिए अब से मैं क्या कर रही हूँ कि इसको इस तरीके से पहले मैंने चला लिया, उसके बाद जब मैंने दूसरी बार इसमें पाउडर ऐड किया तो मैं आपको दिखा देती हूँ मैंने इस तरीके से किया कुछ। तो अभी वापस से हम थोड़ा सा पाउडर इसमें ऐड कर देंगे। मैंने 3 बैचेस में इस तरीके से पाउडर ऐड किया है। तो दूसरी बार जब मैंने इसमें पाउडर थोड़ा सा ऐड किया तो उसको मैंने हाथ से ऐसे ही बीटर को चला के मिक्स कर लिया ताकि ये कम उड़े और थोड़ा मिक्स हो जाए, और उसके बाद मैंने बीटर को स्टार्ट किया, जिससे क्या होगा कि ये उड़े भी नहीं, वरना बहुत सारा उड़ता भी है और मैश भी हो जाता है पूरा किचन। तो ये खास बात का आपको ध्यान रखना है। इसी तरीके से मैं थर्ड बेंच में पूरा जो पाउडर बनाए बाकी का बचा हुआ वो सारा ऐड कर रही हूँ और वापस से इसको इसी तरीके से हैंड से थोड़ा सा हिला के मिक्स कर देती हूँ। अब वापस से इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। तो आप चाहो तो अगर आपके पास ये इलेक्ट्रिक बीटर ना हो तो आप विस्कर से भी आप इसको अच्छे से मिक्स कर सकते हो, पर मैंने अभी टाइम का भी बचा हो इसलिए मैंने इसी का यूज़ किया हुआ है। अभी यहाँ पे मैं थोड़ा सा वेनिला एसेंस डाल रही हूँ। अगर आपके पास वेनिला एसेंस ना हो तो आप उसकी जगह पे इलायची पाउडर का भी यूज़ कर सकते हो, तो वो भी इसमें बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। मैंने अभी वेनिला एसेंस डाला है और थोड़ा सा यहाँ पर मैंने अभी जब आइसक्रीम की विधि स्टार्ट की तभी मैंने यहाँ पर थोड़ा सा केसर भिगा दिया था, तो वही केसर यहाँ पर मैं पानी के साथ थोड़ा सा ऐड कर रही हूँ। अब इसमें थोड़ा सा केसर के जो होते हैं ना रेसे वो इसमें रह गए, तो इसको मैं स्पून की मदद से अंदर डाल दूं। वापस से इसको अच्छे से हम बीट कर लेंगे। इतना अच्छा और बढ़िया कलर आया है, लाइट येलो दिखने में ही इतना मस्त बना है। तो इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। तो गर्मियों में आइसक्रीम सबको अच्छी लगती है, पर बाहर की आइसक्रीम कैसी हो क्या पता। अगर आप घर पे इस तरीके से बनाओगे तो एकदम क्रीमी और आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग बनेगी। अभी ये बैटर बन के बिल्कुल रेडी है, तो अभी इसको हम एयर टाइट कंटेनर में डाल देंगे। आपको मैं दिखा रही हूँ ऐसी कंसिस्टेंसी है, परफेक्ट है एकदम। चलो इसको अभी हम एक कंटेनर में डाल देते हैं। मैंने यहाँ ग्लास का कंटेनर लिया हुआ है, आपके पास जो भी अवेलेबल हो वो कंटेनर आप यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे सारा मिश्रण हम इस तरीके से अंदर डाल देंगे और उसको अच्छे से डालने के बाद इसको हमें एयर टाइट कोई भी चीज़ से पैक कर लेना है। इसमें बिल्कुल एयर नहीं आनी चाहिए वरना क्या होगा कि ऊपर आइस क्रिस्टल बनेंगे जो आइसक्रीम के लिए अच्छे नहीं होंगे। थोड़े से ऊपर से मैं इस तरीके से पिस्ता ऊपर से थोड़े स्प्रिंकल कर रही हूँ, इसका टेस्ट इसमें बहुत ही अच्छा आता है और लुक में भी एकदम बढ़िया रहता है। तो ये पूरा मैंने ड्राई फ्रूट से ही बनाया हुआ है ड्राई फ्रूट आइसक्रीम। तो इस तरीके से मैंने सारा ऊपर से पिस्ता ऐड कर दिया है। अब यहाँ पे मैं इस तरीके का प्लास्टिक वाला यूज कर रही हूँ, ये एकदम एयर टाइट रहता है, तो मैं यही वाला रोल यूज कर रही हूँ। आपको कहीं पे भी मार्केट में मिल जाएगा, अदरवाइज आपके पास पेपर का हो तो आप वो भी यूज़ करके रबर बैंड लगा सकते हो। तो मैं यहाँ पे इस तरीके से इसको पूरा कवर कर दूंगी।
यहाँ पे मैंने अंदर भी एक कवर लगाया हुआ है और ऊपर से दूसरी बार इस तरीके का कवर लगा दिया है, पूरा पैक कर दिया है। और यहाँ से मैं हाथ से नहीं बल्कि सीजर से इस तरीके से इसको कट कर रही हूँ, तो पूरा कट हो गया और ये एकदम चिपक जाता है और श्रिंक हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से इसको लगा दिया है। ऊपर से हम इसका कैप जो है उससे ही उसको बंद कर देंगे, तो इसमें कहीं से भी एयर नहीं जानी चाहिए वरना इसमें आइस क्रिस्टल बनेंगे। तो इसको अभी चलो रख देते हैं हम फ्रीजर में। तो यहाँ पे मैंने फ्रीजर के अंदर इसको रख दिया है। यहाँ पे इसको हम 7 से 8 घंटे के लिए रख देंगे। तो अभी 7 से 8 घंटे हो गए हैं, मैंने सुबह बनाया था तो अभी रात हो गई है। तो मैं इसको निकाल के आपको दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसको निकाल लिया है। तो सबसे पहले इसका ऊपर का केप निकाल लेंगे और यहाँ पे जो हमने लगाई थी इस तरीके का प्लास्टिक का टाइट्स उसको भी हम निकाल लेते हैं। इसमें बिल्कुल एयर नहीं जाती है, इसके अंदर भी मैंने आपको बोला था मैंने एक लगाया हुआ है उसको इसी तरीके से हम निकाल लेंगे। वाव क्या बढ़िया आइसक्रीम बनके रेडी हुई है, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये काफी अच्छी है, बिल्कुल इसमें आइस क्रिस्टल नहीं है। तो चलो इसको हम सर्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं स्कूपर का यूज कर रही हूँ तो इससे स्कूप की मदद से हम इसको निकाल लेते हैं। तो हमारी घर की एकदम क्रीमी वाली आइसक्रीम बनके रेडी हो गई है। तो है ना बिल्कुल आसान तरीका है, आप भी इस तरीके से घर पे ही बना सकते हो ऐसी आइसक्रीम। तो इस तरीके से मैंने आइसक्रीम को निकाल लिया है, ये बहुत ही सॉफ्ट बनी है एकदम मार्केट जैसी क्रीमी वाली। ऊपर से थोड़ी सी हम टूटी फूटी लगा देंगे और एक हम ऊपर से चेरी रख देंगे, तो बच्चों का तो मन हो जाएगा देखते ही खाने का। मैं आपको इसको दिखा देती हूँ टेस्ट करके भी, ये काफी बढ़िया आइसक्रीम बनी है एकदम क्रीमी वाली सॉफ्ट। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो अब मैं मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।